जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स लॉ। फ्रेंड्स, आई एम अंकित अजीत। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि पहले जब कंप्यूटर बना था और जो आज का कंप्यूटर, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव किए गए, और वो किस किस समय पर किए गए और क्या क्या किए गए, चलिए आज देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार 1940 से 1956 के बीच हुआ था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकर्ट और मुचेली के एनाइक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में एनाइक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनके नाम जैसे कि एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, यूनिवेक फर्स्ट इत्यादि हैं। फर्स्ट जेनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे तथा इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता से बहुत दूर थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एक घर के आकार के होते थे, जिसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया गया था, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम, बहुत सारे एयर कंडीशनर, मशीन तथा असेंबली भाषाओं का प्रयोग करके इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ये कंप्यूटर बहुत ही नाजुक होते थे और ये कम विश्वसनीय होते थे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की आविष्कार के बाद कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का आविष्कार किया गया, जो कि 1956 से लेकर 1963 के बीच किया गया। सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किए जाने लगा था। विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1943 में किया था, जिसका उपयोग सेकेंड जेनरेशन के कंप्यूटर में किया गया। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अपेक्षा बहुत छोटे हो गए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे हो गए और अधिक तेज हो गए और अधिक विश्वसनीय हो गए। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले हो गए। इनमें कोबोल एवं फॉर्टन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। संगणक डिवाइस, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का उपयोग होने लगा। इसके बाद थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ये कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच बने। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक केल्बी ने किया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। थर्ड जेनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जेनरेशन एवं सेकंड जेनरेशन की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कम हो गए, अधिक विश्वसनीय हो गए, पोर्टेबल एवं आसान इनका रखरखाव हो गया, उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार 1971 से लेकर 1985 के बीच हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को और डेवलप किया गया, जिसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। इस आविष्कार में पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया।
फोर्थ जेनरेशन का कंप्यूटर आल्ट एयर 8800 सबसे पहला कंप्यूटर था जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। फोर्थ जेनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। ये आकार में अद्भुत कमी आई। साधारण आदमी इसे क्रय क्षमता के अनुरूप गया। ये अधिक प्रभावशाली हुए एवं विश्वसनीय हो गए। इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्कों का विकास हुआ। फिफ्थ जेनरेशन का कंप्यूटर का आविष्कार 1985 से अभी तक हुआ एवं इसमें नए नए तकनीकों का उपयोग करके इसमें कुछ कुछ बदलाव करते जा रहे हैं। फिफ्थ जेनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जो कि मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा एवं सूचनाएं आपस में साझा हो सके। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में स्थापित किया गया। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का साइज डिफरेंट हो गया। इसमें जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, इस कंप्यूटरों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान हुई जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। इसमें मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, टेक्स्ट सभी चीज़ों का समायोजन किया गया जिसमें इसमें नए एप्लीकेशनों का उपयोग किया गया जिससे जैसे कि फिल्म निर्माण में काम आया, यातायात नियंत्रण में, उद्योग में, व्यापार में एवं शोध आदि कार्यों में इसका उपयोग किया गया। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।